Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, अगर मैं बात करूं जिंदगी की, चाहे किसी की भी हो, चाहे एक बहुत बड़े स्टार की हो, चाहे सुपरस्टार की हो, चाहे एक नॉर्मल सी आदमी की हो, या फिर कोई जॉब करने वाले आदमी की हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब करता है या फिर गवर्नमेंट जॉब करता है, या फिर किसी में करियर बनाने के लिए जद्दोजहद करता है और वो लगातार अपने स्ट्रगल के माध्यम से उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है, तो वैसे कई नाम शामिल हो जाएंगे। जिंदगी कुछ ऐसी है और जिंदगी सबकी ऐसी होती है कि जब तक जिंदगी में आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तब तक जो है आपकी जिंदगी में कोई भी सफलता नहीं मिलती है। और ऐसी आपके साथ मत सोचिए कि होता है, ये सबके साथ होता है जो आपके सामने काफी सक्सेसफुल दिखते हैं, काफी पैसे वाले दिखते हैं, काफी हाई प्रोफाइल दिखते हैं। हर लोगों के पास जिंदगी में संघर्ष होता है, हर लोगों की जिंदगी में स्ट्रगल होता है और हर लोगों की जिंदगी में मेहनत होता है, तभी कोई आज एक बहुत बड़े मुकाम पे है तो कोई धीरे धीरे उस रास्ते को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करें तो इसमें बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां भी कम नहीं है। बात करें तो बहुत सारे ऐसे दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्री हैं जो कि अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा फेल हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उनके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें तो आजकल वो काफ़ी ज़्यादा सफल हैं और उनका जहन में जो लोगों का जो चेहरा है, उनका जो नाम है, उन लोगों के जहन पे आते रहता है। तो वैसे ही मैं आज बात करने वाला हूँ कुछ बड़े दिग्गज सितारों के बारे में जो कि कई सारे ऑडिशंस अपने स्ट्रगल समय के दौरान दे चुके थे, लेकिन ऑडिशन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और ऑडिशन में मुख्य भाग तक पहुँचने का उनको जो है मौका भी नहीं दिया गया, लेकिन उसके होने के बावजूद भी वो इतनी कड़ी मेहनत किए, अपने आप पर विश्वास जताया, अपने आप को भरोसा आया, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे रिजेक्टेड अभिनेता थे जो बचपन में जब स्ट्रगल कर रहे थे, जमाने में स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनको कोई नहीं पूछ रहा था और आज बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते हैं। तो वो कौन कौन से अभिनेता हैं, कौन कौन से अभिनेत्री हैं, मैं इस खास रिपोर्ट में दिखाता हूं। तो देर नहीं करते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट को। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी रिजेक्शन से गुजरते हैं। कई लोगों के लिए रिजेक्शन एक मोटिवेशन की तरह काम करता है जो खुद को और भी ज़्यादा निखारते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा देते हैं। रिजेक्शन एक आम प्रोसेस है जिससे कई बॉलीवुड स्टार्स भी गुजरे हैं। इंडस्ट्री में अपना नाम और पहचान बनाने से पहले कई टैलेंटेड स्टार्स को ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा है। आपने सुना होगा कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया गया था, ये कहकर कि उनकी आवाज़ रेडियो के लायक नहीं है। ऐसे ही माधुरी दीक्षित का पहला शो दूरदर्शन ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इसमें स्टार कास्ट अच्छी नहीं है। ऐसे ही कई स्टार्स हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले नाम की बात करें तो वो नाम है आयुष्मान खुराना की। आपको ये पता ही होगा कि आयुष्मान खुराना कई रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने रोडी जैसे रियलिटी शो में काफी नाम कमाया था, पर 2003 में वो सीने स्टार्स की खोज नामक एक रियलिटी शो में रिजेक्ट कर दिए गए थे। मजे की बात तो यह है कि आयुष्मान को 2014 में उसी शो में कंटेस्टेंट को गाइड करने के लिए बुलाया गया था। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है सान्या मल्होत्रा का। सान्या मल्होत्रा काफ़ी टैलेंटेड हैं और अपने करियर में कई अलग अलग रोल कर चुकी हैं। दंगल की बबीता फोगाट से लेकर पटाखा में गेंदा का रोल निभा चुकी सान्या काफ़ी वर्सेटाइल हैं, लेकिन उन्हें भी डांस इंडिया डांस शो ने रिजेक्ट कर दिया था। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिया एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो टॉप 100 में आ गई थी, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी बैक स्टोरी अच्छी नहीं थी। अगले नाम की बात करें तो नाम है राजकुमार राव की। राजकुमार राव भी डांस इंडिया रियलिटी शो बुगी बुगी के ऑडियंस में रिजेक्ट हो चुके हैं। राजकुमार ने इसके ऑडिशन अपने छोटे भाई के साथ दिए थे। एक डांस रियलिटी शो में रिजेक्ट होने के बाद राजकुमार को कुछ समय पहले इंडियाज बेस्ट डांसर शो को जज करने के लिए बुलाया गया था, जहां उन्होंने इस बात के बारे में चर्चा की थी। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है कपिल शर्मा की। स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिन्हें द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से काफ़ी नाम और शोहरत मिली और इसके बाद कपिल ने कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा जैसे सक्सेसफुल शो भी किया, लेकिन कपिल शर्मा ने इसके पहले इंडियन आइडल के ऑडिशन दिए थे क्योंकि वो सिंगर बनना चाहते थे, पर कपिल शर्मा को वह रिजेक्ट कर दिया गया था। कपिल पहला ऑडिशन भी क्लियर नहीं कर पाए थे। अगले नाम की बात करें तो नाम है बिन्नी शर्मा की। टीवी सीरियल संजोग से बनी संगिनी से बिन्नी शर्मा लाइमलाइट में आई,
थे, पर टीवी एक्ट्रेस बनने से पहले उन्होंने डांस इंडिया डांस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। बिन्नी इतनी काबिल डांसर हैं कि उन्होंने टॉप 18 में अपनी जगह भी बना ली थी, लेकिन उसके आगे नहीं पहुंच पाई। इसके बाद बिन्नी ने दोबारा कोशिश की और टॉप 4 में पहुंची, लेकिन ये शो जीत नहीं पाई और फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। अगले नाम की बात करें तो वो नाम है दिव्यांका त्रिपाठी का। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपना करियर ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया था। हालांकि उन्होंने कई ब्यूटी कॉन्टेस्टेंट में भी हिस्सा लिया था, लेकिन 2004 में उन्होंने इंडियाज बेस्ट सिंगर स्टार्स की खोज में अपना हाथ आजमाया और भोपाल जोन से टॉप 8 में पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने इंदौर जोन से हिस्सा लिया और रनर अप बनी। फेज 2 में पहुंची, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाई और रिजेक्ट हो गई। पर उन्होंने इसके बाद मिस भोपाल कॉम्पिटिशन जीता और टीवी एक्ट्रेस की तरह अपना करियर बनाया। इन स्टार्स ने रिजेक्शन के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और यही कारण है कि वो आज इतनी ऊंचाई पर हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करना। तो देखा आपने, ये बड़े बड़े दिग्गज नाम थे जो कि अपने जिंदगी में सफल होने के लिए जब संघर्ष कर रहे थे तो उन संघर्षों में कितना बड़ा बड़ा रोड़ा आया था, कितनी बड़ी बड़ी पत्थरें आई थी, लेकिन उस पत्थरों को क्रॉस करते हुए, मेहनत भरोसा करते हुए अपने आप पे जिंदगी में आगे बढ़े और आज जो है बॉलीवुड के एक अलग ऊंचाइयों पर मौजूद हैं। तो आपकी इन लोगों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसको लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.